हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग टू केस लॉज ऑफ कंसिड्रेशन द फर्स्ट केस लॉज इज़ केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद एंड द नेक्स्ट केस इज दोराई स्वामी अयर वर्सेज़ अरुणाचल अय्यर तो जो पहला केस है हम इसको डिस्कस करते हैं फटाफट ये हावड़ा का केस है कि हावड़ा जो कलकत्ता के अंदर है वहाँ पर जो हावड़ा म्यूनसिपैलिटी है दैट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए टाउन हॉल उनको एक टाउन हॉल बनाना है उसके लिए इन्होंने छब्बीस हज़ार रुपये का पब्लिक सब्सक्रिप्शन निकाला है लेकिन इनको इन्होंने बाद में देखा कि जो एस्टिमेट किया कि जो छब्बीस हज़ार रुपये से काम नहीं चलेगा और एस्टिमेट को ये चालीस हज़ार रुपये तक लेके गई ठीक है कि भाई चालीस हज़ार रुपये लग जाएंगे फिर इस चीज़ के लिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन जो भी था उसके अमाउंट को उन्होंने इराज किया और अल्टर कर जो प्लान्स थे तो उसके लिए जो सब्सक्राइबर था उसने हंड्रेड रुपीज़ वन हंड्रेड रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया अब जब ये सौ रुपये इस सेल जब लेने के लिए गए कौन म्यूनसिपल कमिश्नर जिसमें आपको पता होना चाहिए प्लान्टिव कौन है और डिफेंडेंट कौन है तो जो हावड़ा म्यूनसिपैलिटी है दैट इज़ प्लान्टिव ठीक है और जो डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे जो वन ऑफ द सब्सक्राइबर नेम्ड गौरी मोहम्मद ठीक है तो इस केस में ये होता है जो प्लेंटिफ है जो म्यूनसिपल कमिश्नर है ये इसे सौ रुपये निकालता है कि भाई सौ रुपये दे तूने तो सब्सक्राइब किया था तो जो ये लोअर कोर्ट में जाता है लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई ही दिस पर्सन हैज़ साइंड इन दब सब्सक्राइबर बुक कि मैं सौ रुपये दूँगा इस टाउन हॉल को कंस्ट्रक्शन में तो जो लोअर कोर्ट है दैज डिनाइड वो बोलती है कि नहीं यू कैनोट टेक इट इज इट जस्ट ए मेयर प्रोमिस यू कैनोट टेक तो जो किया जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज दो पॉइंटों को डिस्कस करता है क्या ये लीगली मेंटेनेबल है जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कैन दे लीगली क्लेम एंड जो नेक्स्ट पॉइंट था जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इन और जो नेक्स्ट केस जो नेक्स्ट सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कैन दे आस्क फॉर दन हंड्रेड रुपीज तो जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो जजमेंट था दैट सेड यस हंड्रेड रुपीज़ यू कैन टेक फ्रॉम दिस पर्सन ठीक है उसके पीछे जो रीजनिंग थी पहली रीजनिंग ये थी कि जो हंड्रेड रुपीज़ ने सब्सक्रिप्शन लिया था ही वॉज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और यू कैन से आउटपुट कि जो भी ये रुपीज़ हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है टू कंस्ट्रक्टेड टाउन हॉल सो इट वॉज इन गुड फेथ ही हैज़ प्रोमिस्ड सो देर वॉज सम कंसिडरेशन फॉर हिम कि वहाँ पर एक टाउन हॉल बन रहा है दैट वॉज द कंसिडरेशन तभी इसने अपना नाम लिखवाया था अदरवाइज ये नहीं लिखवाता तो दैट वॉज दिस इसका फर्स्ट जो रीजनिंग था कि ही वॉज वेल अवेयर कि कहाँ इसकी जो मनी है वेयर देट मनी इज गोइंग टू बी स्पेंड ठ ठीक है पहला पॉइंट तो यही हो गया और जो नेक्स्ट पॉइंट था इसी जजमेंट का और सेकेंड पॉइंट यही कि जो इसने सब्सक्रिप्शन लिया है दैट अमाउंट टू ए वैलिड एग्रीमेंट तो इसलिए जो मुंसिपल कॉरपोरेशन है मुंसिपल नॉट कॉरपोरेशन मुंसिपल हाँ कॉरपोरेशन क्योंकि इट्स ए बिग सिटी सो मुंसिपल कॉरपोरेशन कैन क्लेम हंड्रेड रुपीज फ्रॉम दैट सब्सक्राइबर ठीक है तो ये इसका जजमेंट था नेक्स्ट केस डोराई अय्यर वर्सेज अरुणाचला अय्यर इस केस में भी सिमिलर फैक्ट्स हैं थोड़ा सा चेंज है क्या उसके अंदर एक टाउन हॉल बन रहा था इसके अंदर एक मंदिर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका रिपेयर होना था रिपेयर ऑफ ए टेम्पल ठीक है रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सब्सक्राइबर टू तो रिपेयर ए टेम्पल ठीक है एक टेम्पल का रिपेयर होना था इस केस के अंदर तो इस केस में जो सब्सक्राइबर था उसने एक सौ का नाम लिखवा दिया कि भाई मैं एक सौ पच्चीस रुपये आई विल पे लेकिन बाद में इसने भी मना कर दिया तो इस केस में जो कोर्ट है कोर्ट ने यह बोला कि भाई जो इसने एक सौ पच्चीस रुपये का जो दान लिखवाया है कि इसे, इसे दान ओनली राइट right? वो वहाँ पे दान नहीं था दैट वॉज ए पब्लिक सब्सक्रिप्शन इट वॉज मेनली दान ठीक है एंड दान यू कैनोट यू कैन से क्लेम कि भाई आपने एक सौ पच्चीस रुपये का लिखवाया था टू रिपेयर द टेम्पल सो यू कैनोट लीगली बाउंड और यू कैन से यू कैनोट लीगली एनफोर्स दैट एक्सेप्टेंस कि जो दो हिट्स है एक्सेप्ट उसने ये बोला था कि हमें टेंपल का रिपेयर करवाना है जिसको भी टेंपल रिपेयरमेंट में हिस्सा देना है दे कैन गिव टी दे कैन गिव एनी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल तो इस मैंने एक सौ पच्चीस का नाम लिखवा लिया था कि मैं एक सौ दे दूँगा लेकिन कोर्ट ने बोल दिया इट्स ओनली ए मेयर प्रामिस दैट कनाट बी लीगली अनफोर्सेबल ठीक है तो याद रखना आईर केस टेम्पल का केस ठीक है और जो लास्ट केस था हमारा ये केदारनाथ भट्टाचार्य है कलकत्ता केस केदार से कलकत्ता ठीक है शायद ऐसे कर लेना कलकत्ता केदारनाथ हावड़ा और राइट right. सो so, टोटल हमने पाँच केस डिस्कस कर लिए हैं केदारनाथ हो गया और अयर वाला केस हो गया और एक ये आगरा आगरा मस्जिद वाला कंस्ट्रक्शन वाला केस हो गया फिर चन्नैया वर्सज़ रमैया केस हो गया डिस्कस कर लिया हमने फिर एक नवाब मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद खान वाला केस डिस्कस किया था वर्सेज जो बेगम था कौन सी हुसैनी बेगम के जो खिलाफ खला, खिलाफ़ था वो केस और जो लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट केस भी था हमारा दैट वाज बताओ क्या नाम था उस केस का शायद वही केस था पहला तो टोटल तो हमने पांच केस डिस्कस कर लिए हैं कंसिड्रेशन के ठीक है सो सी इन द नेक्स्ट थैंक यू